खुशबू आ रही है, ये क्या है? तुमने बनाया केक? केक बनाया? क्यों? कैसे बनाया? केक के लिए स्पेशल। क्या पसंद नहीं है? केक क्या लग रहा है? और ये है मेरे के लिए फोन। हमने सारे 10 पास किया था, इसको दिलाया था, इसने पास किया था, इसको दिलाया था, फोन नहीं खराब था और आज तक इसको न्यू फोन नहीं मिला। हम सब ने एक जैसा मुझे चाहिए था वैसा, मुझे एकदम फ्लैट यहाँ से पसंद आते हैं। गड़बड़ सनी, आप ही ने शक्कर डलवाई है। अरे ठीक है ना, शुगर फ्री अच्छे रहते हैं। कहीं पर भी स्मेल नहीं आ रहा, अंडा पड़ा नहीं है, और अच्छा है। और आप सब लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे रिजल्ट का रिजल्ट इसका आ चुका था थोड़े टाइम पहले। लेकिन जैसे होता है ना, जब सारा का बहुत एकदम से अच्छा आया बता दिया, कुछ बच्चे कभी कभी कॉन्शियस हो जाते हैं, उस टाइम हमने उसको नहीं फोर्स किया कि बताया कि नहीं बताया। जब इतने सारे लोग पूछ रहे हैं तो उसी ने फिर कहा, हमने से पूछा रिजल्ट बताना है कि नहीं, तो उसने कहा बता दो। तो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुकी है। अब रिजल्ट बताइए कितने परसेंट नंबर उसके आए? हाँ बता, बोलो और क्या तो बताना। हाँ, तो रिजा के 64.5 इतने परसेंट आए हैं। परसेंटेज मैटर, इतना भी उसने किया अपने तरफ से, उसने बहुत मेहनत की, हमने देखा है, ट्यूशन पढ़ा, जैसे भी करा उसने किया, तो हमारे लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह आगे पता नहीं उसे किस्मत में क्या लिखा। और आप सबको पता है कि उसका इंटरेस्ट ज्यादातर बेकिंग में, ये सारी दूसरी चीजों में। हर कमेंट भी आ रहे हैं कि इसके 55% आए हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर उसके 55 भी आते ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंसान पहले अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले इंसान अच्छा बनो, उसके बाद सबके लिए अखलाक अच्छे रखो, फिर बाद में बाकी चीजें आती है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज मतलब और बताना चाहेंगे, जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ कि ये लोग मदहा में रहते थे। स्पेशली रिजा के केस में क्या है, रिजा मतलब मेरे ख्याल से काफी लेट आई है ना यहाँ पे। सोचिए, मदहा में वो फिफ्थ तक पहुँच गई थी, लेकिन जब यहाँ पे ICSE बोर्ड में आई तो उसका बहुत लेवल नीचे था, उसको 2 क्लास पीछे करना पड़ा। वहाँ पे हर चीज हिंदी से होती, हिंदी ज्यादा में होता, फोकस हिंदी पे था। हाँ, और यहाँ सडन आके पूरा हर चीज सिलेबस उसका पूरा इंग्लिश से, तो बहुत प्रॉब्लम होती, तो उसका एडमिशन यहाँ भी पीछे क्लास में हुआ। लेकिन फिर भी जो बेस होता है 4-5 सालों का बच्चों का, मतलब नर्सरी के जीवन के जी 2 फर्स्ट सेकेंडर, उसका वहाँ पे हो चुका था, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो ऐसी थी, मैं आपको एक केस बताऊंगी कि जब ये स्कूल जाती थी सनी, तो वो बताते थे कि अटेंडेंस भी अगर टीचर लेती थी तो अपने बगल वाले बच्चे से बोलती थी तुम बोल दो। अभी भी ऐसी ऐसी है, तो हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चे की अपनी अपनी कोई परेशानियां होती है, उस चीज को समझो। से आप लोग ने हमेशा उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है। तो फ्रेंड, रिजा के रिजल्ट को लेकर रिजा को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और रिजा की बहुत ज़्यादा जो है खिंचाई की जा रही है। लेकिन जैसा कि सबा ने बताया कि थोड़ा मुश्किल रहा उसको यहाँ पर करना, और अब जो है उसका इंटरेस्ट भी जो है कुकिंग बेकिंग में ज़्यादा रहता है पढ़ाई से हट के, तो ये था रीज़न रिजा के इतने कम मार्क्स आने का। लेकिन क्या इस तरह किसी को किसी का मजाक उड़ाना चाहिए?